रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारा जो रघुनाथपुरा कैंपस है वहाँ बच्चों का ऑफलाइन सेमिनार है, जैसा कि आपको पता हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो आज हमारे बीच में कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट आए हुए हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज जिनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ये कोई टॉपर्स नहीं है कि ये टेंथ क्लास में मेरिट में आए हुए हैं, ट्वेल्थ में मेरिट में आए हुए हैं, या फिर जब ये तैयारी कर रहे थे यहाँ पे तो हमेशा ही टॉप 10 रैंक में आते थे, ऐसे बच्चे नहीं है। ये हमेशा लास्ट बेंच वाले हैं, लास्ट बेंच के स्टूडेंट हैं, हमेशा ही पीछे पीछे रहे, लेकिन इनके फंडे क्लियर थे कि हमें कुछ अच्छा करना है। और एडमिशन से लेकर एग्जाम तक संस्थान के द्वारा जो कुछ कहा गया उसकी ईमानदारी से पालना की। मैंने कहा हमेशा ही कि पढ़ लिख के कामयाब होने के लिए चार लोगों के प्रति आपका मान सम्मान आदर का भाव होना चाहिए, या फिर उनको कभी भी बेवकूफ बनाने की आपकी इच्छा होनी नहीं चाहिए। अगर इच्छा होगी ना आपकी तो आप कामयाब नहीं होगे। कौन चार? मम्मी पापा गुरुजी सरस्वती माँ। अगर आपके मन में आदर भाव है तो आप चाहे पढ़ाई में पुराने टाइम में कितने ही पीछे क्यों ना रह गए हो, इन चारों में इतनी ताकत है कि कभी भी आपको उठा के और लाइन में आगे से आगे ला सकते हैं। लेकिन वर्तमान टाइम में जो कलयुग है इसके अंदर सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इन चारों का मान सम्मान कर सके। रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन के बाद में कंटिन्यू ये प्रयास किया जाता है कि पुराने टाइम में बच्चा क्या करके आए डजंट मैटर है, लेकिन यहां इस तरीके का स्टाफ अवेलेबल कराया जाए, इस तरीके की व्यवस्था दी जाए, मैनेजमेंट दी जाए, सिस्टम दी जाए कि एक रास्ता भटका हुआ बच्चा भी मुख्य लाइन में आके एक बड़ी सोच के साथ में बड़ा लक्ष्य जो है हासिल कर सके। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक सामान्य छात्र से जिसका नाम है कौशलधर लाडना। ये बच्चा भी 8 परसेंट आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। इस बच्चे से मैं पूछूंगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ में इसका क्या रिश्ता रहा, और आज अगर ये उस यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है तो किस तरीके से इसने किस रास्ते को चुना और किस तरीके से आज उस यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है। मैं सबसे पहले आपका बेटा यहाँ रॉयल संस्थान के इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले बेटा आप बताएं कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं और आपके पिताजी क्या करते हैं। मेरा नाम कौशलधर लाडना है, मैं नागौर जिले के परबसर तहसील बरनेल गांव से हूँ। मेरे पापा का नाम श्रीमान ओम प्रकाश जी लाडना है, वो एक किसान है। बहुत बढ़िया। परबसर हमारे कुचामन सिटी से फिक्स 35 किलोमीटर दूर है, मेरे आसपास का ये बच्चा रहने वाला है। आपने ट्वेल्थ कौन सी स्कूल से की? सरस्वती बाल निकेतन डेगाना विलेज। अच्छा, डेगाना से इन्होंने ट्वेल्थ क्लास की है। उसके बाद में आप रॉयल इंस्टीट्यूट में कब आए? 23 जुलाई को। 23 जुलाई को। कौन से बैच में थे आप? आरजी सेकंड। ये जहाँ हम ये वीडियो बना रहे हैं या ये जो सेमिनार कर रहे हैं ये हमारा कैंपस है रघुनाथपुरा, जहाँ पे अलग अलग फिर सब कैंपस है, जैसे सक्षम हॉस्टल है, संगम हॉस्टल है, समर्पण साकेत जिसका 15 मार्च को हम उद्घाटन करने वाले हैं, ऐसे अलग अलग यहाँ के कैंपस है और इन सब कैंपस को मिला के हमने रघुनाथपुरा कैंपस नाम दे रखा है। रघुनाथपुरा में RG2 बैच जुलाई महीने में एडमिशन है। अभी 8% आप, सबसे पहले तो ये बताएं कि रॉयल की आपको कहाँ से जानकारी मिली? रॉयल की मेरे को मैं क्या जयपुर जाने वाला था एग्रीकल्चर कोचिंग के लिए, तो फिर जयपुर के कोचिंग उन्होंने डायरेक्टर, वो खुद रॉयल से पढ़े हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आप रॉयल में जाओ। अच्छा, उन्होंने आपको गाइड किया? जी सर। बहुत बढ़िया। मैं यह नाम नहीं पूछना चाहूंगा और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जो भी पुराने बच्चे हैं, चाहे वो डायरेक्टर ही क्यों ना बन गए हो कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी जब उनके कंधों पे भार आता है और जब परिवार का आदमी आता है तो वो रॉयल इंस्टीट्यूट यहाँ की फैकल्टीज को चूज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पुराने बच्चों का। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट जो है, आप ये बताएं कि जब आपने यह ज्वाइन कर लिया था तो
तो आप जेईटी की तैयारी करेंगे ये सोच के आए थे या आईसीआर की यूनिवर्सिटी में जाना आपको ये सोच के आए थे? आईसीआर की यूनिवर्सिटी में जाना था। यही आप सोच के तैयारी कर रहे थे? यस सर। अच्छा, तो फिर आपने जेट का तो फॉर्म ही नहीं भरा होगा। जेट का फॉर्म भरा था सर। कौन सी यूनिवर्सिटी मिली थी? एसकेआरयू बीकानेर। बीकानेर मेन कैंपस मिला था आपको? एसकेआरयू मेन यूनिवर्सिटी। जी सर। बहुत बढ़िया। और अभी आप 8% जो है आनंद यूनिवर्सिटी में? जी सर। बहुत बढ़िया। पहले वाला जो बच्चा था उसको नॉर्मल सामान्य कॉलेज मिली थी, ये बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर रहे आप कुछ दिन पढ़े वहाँ? जी सर। कितने दिन? लगभग 25 दिन गए। आप वहाँ रुके? जी सर। ये 25 दिन एसकेआरयू में पढ़ा है मेन कैंपस के अंदर, और फिर ये बच्चा वहां से आनंद यूनिवर्सिटी में गया। आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है एसकेआरयू यूनिवर्सिटी के अंदर और आनंद यूनिवर्सिटी में? जी सर, बहुत फर्क है उसका। बहुत फर्क है। जैसे मैं स्टाफ की बात करता हूँ तो जैसे स्टाफ की कमी है अभी एसकेआरयू में, वहाँ पे सारे प्रोफेसर वगैरह सही है? नहीं, कई बार ऐसा तो नहीं होता कि आनंद जाने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि आपके साथी जो बीकानेर में वो वहाँ आप उनको देख के आपको ऐसा लगता होगा कहाँ में या गुजरात आ गए, इससे बढ़िया है उनके साथ ही रहता? नहीं लगता सर, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है बढ़िया जगह आ गया। अच्छा, बढ़िया जगह आ गया, बहुत बढ़िया। जुलाई में महीने में आने के बाद में ये बच्चा बीकानेर सेलेक्ट हो रहा है और सेम टाइम आनंद गुजरात सेलेक्ट हो रहा है। एक सामान्य बच्चा, किसान परिवार का बच्चा, अगर ऐसी यूनिवर्सिटी में जा सकता है, ये चाहता तो एसकेआरयू में भी रह जाता। 25 दिन जब बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि बस ठीक है, यहाँ सब मिलने वाले होंगे, कौन बाहर जाएगा और क्या करेगा। एक तो ये अच्छी यूनिवर्सिटी में गया, प्लस पेरेंट्स की इसने हेल्प की। बताओ किस तरीके से की हेल्प? हाँ, वापस वो स्कॉलरशिप की बात आ गई। बहुत बढ़िया बेटा। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप 10th क्लास में कितने परसेंट आपके? 10th क्लास में 79% आते हैं। बहुत बढ़िया। एक आप सामान्य स्टूडेंट हो और फिर यहाँ लगभग 8-10 महीने पढ़ के आप अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होके चले गए, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ में आपका किस तरीके से रिश्ता रहा और किस तरीके से यहाँ का मैनेजमेंट रहा? यहाँ सुबह 5 बजे उठा देते, 5 बजे उठने के 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक फिक्स शेड्यूल रहता था कि इस टाइम पे यही करना है। मतलब पूरा सिस्टम फॉलो होता? पूरा सिस्टम है। अच्छा, स्टाफ के लिए आप क्या कहोगे यहाँ जिन्होंने आपको पढ़ाया? कितने लोगों ने पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया? स्टाफ सर बहुत ही बढ़िया है। इधर 3 सब्जेक्ट लगभग 15-20 टीचर्स ने पढ़ाया। अलग 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 टीचर्स ने। अच्छा, इसके अलावा जैसा कि मैं बताता हूँ कि कम से कम 12 टीचर एक बैच में जाते ही हैं, 4 AG, 4 BIO, 4 केमिस्ट्री। लेकिन कई बार आपने देखा होगा केमिस्ट्री की अपने पास 10 फैकल्टी है, तो कुछ कुछ 4 से ज्यादा टीचर्स भी आपके बैच में आ जाते होंगे। लगभग 12 से ऊपर टीचर कंटिन्यू पढ़ाते हैं। इसके बाद में चलो पढ़ाना एक अलग काम हो गया, उसके बाद में आता टेस्ट। तो टेस्ट का क्या शेड्यूल कंटिन्यू रहता था? मुझे तो पता है क्या शेड्यूल यहाँ रहता था। मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो एक बार पेपर देके फेल हो गए, तो उनको पता होना चाहिए कि आप फेल क्यों हुए। केवल टीचर्स का योगदान सिलेक्शन में नहीं होता, केवल इंस्टीट्यूट का नहीं होता, हर एक पार्ट है छोटा छोटा जिनकी सबकी भूमिका होती है। पढ़ाने के बाद में जब तक टेस्ट नहीं लो पता ही नहीं लगे कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। खाली कॉपी में नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, 4 ऑप्शन में से एक छांटो तो फिर पता चले कि आप कैसे छांट रहे हो। तो टेस्ट देना भी जरूरी है। क्या आपके टाइम में कंटिन्यू टेस्ट होते थे? जी सर, कंटिन्यू टेस्ट होते थे और लास्ट में टेस्ट सीरीज भी बढ़िया से चली थी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे अभी बच्चों को मार्च का महीना चल रहा है, अपने रॉयल इंस्टीट्यूट में जितने भी बैच है, जिन जो बैच मई जून के आसपास आए थे, जुलाई में आए थे, उन बैच का कोर्स कंप्लीट हो गया अभी 8%। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स को ऐसे सेट कर लेते हैं कि भाई अब कोर्स तो कंप्लीट हो गया, यहाँ क्या करना है, तो बच्चे को यूँ लगता है मैं गाँव जाके पढ़ लूंगा। तो आपके साथ क्योंकि आप भुगत भोगी हो, आप यहाँ लगभग 500 के आसपास बच्चे रघुनाथपुरम उस टाइम रहते थे अलग अलग बैच के अंदर, तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि सामने जो बैठे हैं ना, ये चाहे ना तो पेरेंट्स को कैसे भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक एक ही है। तो पेरेंट्स को फोन करके बोल रहे पापा कोर्स हो गया और अब बस मैं तो गाँव आना चाहता हूँ, तो ये समस्या हर बार ही हर बैच में रहती है जनरली कि सर 100 में 1 आधे में क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ रॉयल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस पेरेंट्स के फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको उनके तो वो एक ही है। तो एक भी बच्चा जब जाता है ना यहाँ से कोर्स पूरा होने के बाद में, तो पता है हमारी हालत क्या होती है। उसका रिजल्ट तो आप बता दे रहे, लेकिन मैं हमारी हालत बता रहा हूँ। जैसे एक किसान खेत के अंदर
बुआई करता है ना, बुआई मान लो अभी गेहूं की सीजन है, थोड़े टाइम में काटने वाले हैं, तो आपका एडमिशन का टाइम का मतलब हो गया बुआई करना, तो खेत में बुआई हो गई, मतलब हमारे यहाँ एडमिशन हो गया। उसके बाद में हमने हमारी पूरी जाल लगा दी और आपका कोर्स करा दिया, और किसान ने भी क्या किया, लाइट का ध्यान रखा, सुनी गायों का ध्यान रखा, अगर रात में लाइट आई तो ध्यान रखा, हमारा पलटने की जरूरत पड़ी तो पलटा, अगर खेत के अंदर गेहूं यहां तक आ रहे थे सीने तक तो भी लाइन पलटने की बारी आती तो पलटने जाता है, पाइप चेंज करने जाता हो हमारा बोलते हो जिसको आप, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। मार्च के महीने में गेहूं आ गए इतने बड़े, फागण का महीना चल रहा है अभी, इस महीने के अंदर अंत तक जाते जाते गेहूं काटने वाली कंडीशन में आ जाएंगे। अभी किसी किसान के खेत में जाते हैं ना इस टाइम तो फसल ऐसी लहला रही है, और हमारे टीचर्स जब आते हैं ना बेच में, तो जब जून में जुलाई में आते हैं तो बिल्कुल खाली डब्बे, क्लास के अंदर की कुछ नहीं, कार्बन के परमाणु क्रमांक भी 7 बार याद कराने पड़ते हैं। और कल खान सर मेरे को मिल गए और खान सर बोले, अरे कि सर क्या बच्चे हैं, एक क्वेश्चन तो उससे पहले 2 निकाल रहे हैं, मतलब नीट जेई के केमिस्ट्री के सोल्व कर रहे हैं, इसका मतलब फसल क्या हो रही है, लहला रही है बिल्कुल गजब। अब देखना आप, अरे सर एप्लीकेशन लो, क्या हुआ कि सर गांव जाना है, अब स्थिति देखना हमारी, ये सेम केस वैसा है जैसे किसान ने पूरी मेहनत ईमानदारी से की और पूरी फसल लहला रही है, उसके बाद में मान लो किसान के हाथ और पैर दोनों ही बांध दिए यूं, और आंखों के सामने दबंग आ गए दबंग, और आंखों के सामने खेत के अंदर सुनी गायें छोड़ दी, और उसके आंखों के सामने पूरी फसल नष्ट हो रही है, बताओ किसी किसान की आत्मा दुख नहीं पाएगी, उसको खुद को पता है कि मैंने पूरी साल कितनी मेहनत की है। अब बताओ वो गेहूं जब तक कट के घर के अंदर नहीं आई तब तक वो खेत में लहलाने वाली फसल कोई काम की नहीं है, है क्या? तो सेम केस हमें पता है, जब कोई बच्चा एप्लीकेशन लिख के आता है ना तो हमें तो दिख रहा है कि ये कट के खेत में नहीं, ये गाय के या वो जो भैंस है या सुन्नी जो भी है पशु उनके पेट में जा रहा है, जिसका कोई लॉजिक है नहीं है। बहुत दुख होता है मेरे को उस टाइम मुझे ऐसा लगता है इस गलत बच्चे का एडमिशन ले लिया, क्योंकि हमें आंखों के सामने दिखते हो कि इन बच्चों का लास्ट में होता क्या है, अंत तक लगे रहने पर रिजल्ट आता है। अगर ये बच्चे, आप बताओ आपकी क्या रैंक आती थी उस बैच के अंदर? मेरी रैंक आती थी 70-75 ऐसे आती थी, मतलब लास्ट का बच्चा है RG2 बैच का। अगर ये बच्चा इस टाइम कोर्स होकर गांव चले जाता आज आपके सामने बैठता आके, ये 36-38 हजार रुपए स्कॉलरशिप दे पाता घर वालों को, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ पाता, ये बाड़मेर गंगानगर नागौर डीडवाना इन कॉलेज में जाते जिनका नाम लेना भी शायद ठीक नहीं है, 1 साल का बच्चा तैयारी करता उसके लिए, तो सही बात है कि नहीं है? सही बात है। जैसे आपने साल भर के बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप एवरेज होके इतना बढ़िया किया, डीपीपी एक्सरसाइज सीट का क्या रोल रहा, मतलब डीपीपी एक्सरसाइज सीट आप सोल्व करते थे या केवल थ्योरी पढ़ते थे, क्या करते थे? मतलब डीपीपी एक्सरसाइज सोल्व करता था सर, कंटिन्यू आप सोल्व करते थे डीपीपी एक्सरसाइज सीट और सब कुछ निकाले? जी सर। क्या ये पॉसिबल है कि एक बच्चा फर्स्ट टाइम डीपीपी एक्सरसाइज सोल्व कर ला, स्पेशली एक्सरसाइज सीट जब सोल्व करता है तो क्या पूरे क्वेश्चन हो जाते? पूरे नहीं हो पाएंगे सर। नहीं हो पाते? फिर आप लोग उनको कब करते थे? जब मतलब अपन एक्सरसाइज सोल्व करते थे तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे ले जाते थे कि नहीं होते थे, जब रिवीजन हुआ तो फिर सर क्लास लेते थे, उनसे डाउट क्लियर कर लेते, फिर सॉल्व हो जाते थे। मतलब आपने छोड़ा कुछ भी नहीं, लगभग सब कवर किया? बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चे, जो बच्चा डीपीपी एक्सरसाइज सीट अभी भी सोल्व नहीं कर रहा उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डीपीपी जरूर सोल्व करें और एक्सरसाइज सीट भी सोल्व करें। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव सोल्व किए बिना ऑब्जेक्टिव पेपर में आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। कुछ बच्चे जो टॉपर्स हैं जिनकी अच्छी रैंक आ रही है,
उनमें आपने देखा होगा, ये मैं तो खैर अक्सर बताता रहता हूँ इनको, कि जिनकी यहाँ पे अच्छी रैंक आती है, या यूं बोलूं मार्च महीने तक जो बच्चे टॉप करते हैं, जनरली वो फाइनल एग्जाम में बहुत सारे उनमें से ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छा नहीं कर पाते, तो टॉपर को इस टाइम क्या करना चाहिए? टॉपर्स को इस टाइम दूसरों की हेल्प करनी चाहिए इस टाइम पे, मतलब जो एवरेज बच्चा है उसको डाउट आ रहे हैं तो उसके डाउट क्लियर करने चाहिए, जैसे कि खुद टॉपर है तो दूसरे के डाउट भी क्लियर करेगा, खुद के डाउट भी क्लियर कर लेगा वो, बहुत बढ़िया, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। ताली बजाओ जोरदार। टॉपर जो बच्चा है, आपको पता है ये जो इसने बोला, मैं अक्सर बोलता हूँ आपको, अरे पहली बार सुन रहे हो क्या? ये हमारा एक्सपीरियंस है कि टॉप बच्चा यहाँ शुरू में जो चल रहा है अंत तक वही टॉप कर पाता है जो दूसरे का हेल्प करने का नेचर रखता हो। एक से डेढ़ घंटा, मैं तो कहता हूं दो दो घंटे, जिन बच्चों के 400 से ऊपर नंबर आ रहे हैं वो 10-10, 15-15 अपने चेले बना लो, और उन बच्चों को कि मैं हूं आपके लिए, मैं उनके लिए कमरा दूंगा, उनको रात की 10 बजे बाद में या 11 बजे बाद में, उनको चाहे बायो का केमिस्ट्री का कोई भी बच्चा कोई भी प्रॉब्लम लेके आए, उसके कंधे पे हाथ रख के और उस बच्चे को मोटिवेट करके और उसकी हेल्प करना चालू कर दो, 101% आप कर लोगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से, तो कंपैरिजन करने वाले बच्चों का क्या हाल होता है? उनको कंपैरिजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप खुद 75-80 रैंक वाले बच्चे हो, तो आप लोग आप अपने आप को कैसे डील करते थे उस टाइम? सर, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे तो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा, फिर अपन ये सोचेंगे कि ये बंदा चला गया तो फिर अपन क्यों नहीं हो पा रहे, सारा ध्यान उधर ही लग जाएगा अपना, पढ़ाई भी नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा रैंक को लेके, एक मेरे पास कौन सा बच्चा आया था, अच्छा आपसे लिखवाया था कि मैंने फीडबैक, उन्होंने लिख के दिया कि सर रैंक लिस्ट जो है ना शुक्रवार और शनिवार को लगती है, तो सर शुक्रवार शनिवार को लगती है तो दो दिन तो हमारे मातम मनाने में चले जाते हैं, रविवार को तो टेस्ट आ जाता है, भाई शुक्रवार को लगी तो शुक्रवार को रैंक लिस्ट लगी तो आपके सदमा लगा, क्योंकि आप जो चाह रहे थे वो रैंक आई नहीं, सदमा ये नहीं लगा कि नंबर कम आए, क्योंकि नंबर का तो आपको वो आंसर की लगते ही पता चल गया, तो सर फिर क्या हुआ, सदमा तो ये लगा कि वो जो बच्चा जो आपसे पीछे चल रहा था वो आगे चला गया, उस सदमे में हमने दो दिन खराब कर दिए। अरे आप दूध पीते बच्चे हो, जो आप इतना टाइम है हमारे पास कि आप आपने दूसरों आपके अपने दिमाग में दूसरों के लिए आपने जगह दे रखी है, आप इतने कमजोर हो गए कि उसकी रैंक आ गई, उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया और आप अपने दो दिन खराब कर लिए, है क्या हमारे पास दो दिन? जैसे रिजल्ट आया, रैंक आई, नंबर आए, उसको तुरंत छोड़ो उधर और अगले पेपर की तैयारी पे लग जाओ, पेपर देते जो भी रैंक आएगी जो भी नंबर आएंगे बढ़िया है, किसके क्या है देखना ही नहीं है, अरे दूसरे का देखना ही नहीं है, पूछना ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसी भी टेंशन लेते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, तो आपकी भी लास्ट टाइम रैंक आती तो ऐसा आपके नहीं आता था दिमाग में उस टाइम? सर जैसा कि आप बोलते थे कि दूसरों को देख के मतलब नहीं करना चाहिए कि कैंपेयर मत करो, और एक बार यहाँ पे सेमिनार हुआ था तो एक सर ने बोला था कि अपनी सोच को इतना बढ़ाओ कि सामने वाला सोचने मजबूर आए कि ये बंदा सोच क्या रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब लीग से हटके बढ़िया बड़ा टारगेट लेके उसके ऊपर अगर अपन कंटिन्यू प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको मंजिल मिलेगी, किसी भी बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे सामान्य 80-90 रैंक के बच्चे, अगर आनंद गुजरात में जब लिस्ट दूंगा तो बताऊंगा आपको, सर अपने ऐप के ऊपर लिस्ट पड़ी है उसमें देखना, आनंद गुजरात जो यूनिवर्सिटी है 6th-7th नंबर पे है, और वहां और SKRU जो है वो 3rd नंबर पे 24 भरते हैं, उदयपुर जो ओपनर उसके बाद में SKRU, जब 80 रैंक वाला बच्चा इन यूनिवर्सिटीज में जा सकता है तो इनसे ऊपर रैंक वाला बच्चा और बढ़िया जगह जा सकता है, क्योंकि इतनी सीट नहीं है, समझना इस बार बड़ी बात बोल रहा हूं, ये एक बैच के अंदर बच्चा आ रहा है 70वीं रैंक पे, पूरे इंस्टीट्यूट में नहीं है, RG2 में 70 रैंक है, 75 रैंक है, इसका मतलब कितने बैच चलते हैं, तो ये बच्चा वहां कैसे पहुंचा, इसका मतलब इनके नीचे वाले मार्च के महीने तक जो बढ़िया नंबर लेके आते हैं वो इधर उधर गायब होते हैं, तब उनकी जगह ये आते हैं,
तो जो बच्चा बढ़िया रैंक लेके आ रहा है अगर वो डिस्टर्ब होगा तो आपकी जगह नीचे वाले तैयार बैठे हैं। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी बच्चा अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, इस जगह कंपैरिजन करने लग गया, टेस्ट सीरीज को टेस्ट सीरीज मानना है, वहां खुद का दिमाग नहीं लगाना है कि क्या पढ़ना है। टेस्ट सीरीज में तो टॉपिक वाइज आ रहे हैं, मैं तो पूरा ही कोर्स पढ़ रहा हूं, ये नहीं सोचना है। टेस्ट सीरीज की इज्जत करनी है, जो टॉपिक टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं वही पढ़ने, उनको आप डीपली पढ़ सकते हो अगर आपके पास समय है तो। इसलिए हमारी ये जो लहलाती हुई फसल है इसको हम फाइनली प्रोडक्शन के अंदर काउंट करना चाहते हैं, गिनना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, और पेरेंट्स जिस इच्छा के साथ में आपको ये छोड़ के गए उसके अकॉर्डिंग हम आपका रिजल्ट पेरेंट्स को देना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स के आपके खर्चे का भार हम कम करना चाहते हैं। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक आपको डाइवर्ट नहीं होना, घर की तरफ देखना भी नहीं है। टाइम खराब जो आपका होगा उसका वापस इन फ्यूचर कभी आप जो है उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। ये बच्चे अगर सामान्य दर्जे के वहां तक पहुंच गए तो आप लोग भी पहुंच जाओगे। इन बच्चों को उससे मिलाने का एक ही मेरा मकसद था कि जो बच्चा 80 रैंक लेके आ रहा है, जिस बच्चे के एवरेज नंबर आ रहे हैं, वो बच्चे इन बच्चों को देखें और अपने आप को भी पॉजिटिव रखें, पूरी एनर्जी लगाएं और सेलेक्ट को जाए। लास्ट में आप ये बताएं बेटा कि आपने एग्रीकल्चर क्यों ली और इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं। जब 10th का रिजल्ट भी नहीं आया था तो मैंने सोच लिया कि एग्रीकल्चर में जाना है। वो क्या है कि हमारे गांव में एक सुपरवाइजर थे, तो हमारे एग्रीकल्चर गांव में इतने नहीं थे, गांव में एग्रीकल्चर के बंदे इतने, तो दो तो वो उनके भाई थे और एक वो खुद थे, फिर तीसरा मैंने ही लिया था एग्रीकल्चर। फिर पापा को खेती करते हुए देखता था तो वो इनकम बहुत कम आती थी खेती से, तो मैंने सोचा कि एग्रीकल्चर लेके अपन साइंटिफिक तरीके से खेती करेंगे तो ज्यादा इनकम हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाएं इसके लिए। इसने ये नहीं कहा है कि मुझे सरकारी नौकरी लगना है, कि चाहे मुझे खेती करनी पड़े लेकिन मैं साइंटिफिक तरीके से करूंगा ताकि आमदनी बढ़ा सकूं। मैं पहले भी कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि एक तहसील के अंदर अगर 5 बच्चे रोयलियंस, हमने इतने तो पढ़ा दिए कि हर तहसील में 5-5 कर दिए, अभी अगर 5-5 बच्चे ईमानदारी से खेती भी हाईटेक तरीके से करने लग जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब किसान का बेटा ये कहेगा कि मेरे पिताजी किसान है। अभी कई बार 5 लोगों में इकट्ठे हो जाओगे ना आप, जब अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में या कोट पेंट वालों में जाके खड़े होगे कहीं, तो आपको पूछेंगे ना कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो कि मेरे पिताजी तो किसान है, तो आपको बताइए शर्म से आएगी, क्योंकि किसान को हमेशा क्या माना जाता है, गरीब माना जाता है। क्या माना जाता है? गरीब। और उसको माना नहीं जाता, वो होता ही है, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है। वो विचारों में सब कुछ करता है लेकिन दुनिया पैसों से तोलती है, किससे? ये बात सही है। इसलिए अगर पूरी एनर्जी के साथ लगोगे तो डेफिनेटली जो है आप जो है खेती भी अगर करते हो तो वो हाईटेक तरीके से करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, न केवल खुद के लिए बल्कि अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। आप बेटा यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम हमारे संस्थान की तरफ से या आपके लिए दुआ करते हैं, हमारे बच्चों की तरफ से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, सभी हमारे जो बच्चे पढ़ के गए उनके लिए कि आप बड़ा सोचें और ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, बशर्ते क्योंकि अभी लंबी दौड़ है, केवल यूनिवर्सिटी में चले गए यही सब कुछ नहीं है। लोग फाइनल प्रोडक्ट काउंट करते हैं कि भाई फाइनली आपने क्या किया है, तो इतनी मेहनत करना कि जो आप बात बोल रहे हो इसका भी एक दिन सबूत देश को कि मैंने 7 मार्च को रॉयल इंस्टीट्यूट में आके बोला था कि मैं इन फ्यूचर जाके ये करूंगा, और आज मैं 2026 में, 27 में, 28 में इस तरीके से खेती करके और इतना पैसा जो है मैं कमा रहा हूँ, इस तरीके से मैंने पूरा माहौल बनाया है। इसके लिए अगर अभी से आप दिमाग में रखोगे, उसके आपके अंदर विचार आएंगे, आप बार बार सोचोगे, हो सकता है एक आधे प्रयास में आप फेल हो जाओगे, क्योंकि ईश्वर जो बड़ा करता है उसको 2-4 बार तो चेक ही कर लेता है, तो आप हो सकता है शुरुआत में कई जगह फेल हो जाओगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में रहते हुए आप दिमाग अपने रखोगे कि इन फ्यूचर मुझे ये जाके करना है, उस पर छोटे छोटे अगर आप प्रयास करोगे तो एक दिन दूर नहीं है जब आप सफल होगे और बहुत सारे लोगों के लिए
प्रेरणा स्रोत बनोगे। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच।